सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। 12 नैनोमीटर्स, 10 नैनोमीटर्स, 8 नैनोमीटर्स, 7, 6, 5, 4 तक दोस्तों गिनती पहुंच चुकी है। ट्रायल्स खैर आगे की भी हो चुकी है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? जो चिप्स हम देखते हैं, जो देखते हैं हमारे फोन्स या कंप्यूटर्स में लगे हुए प्रोसेसर्स, उनका फ्यूचर क्या होगा? 1 नैनोमीटर्स के बाद हम कहाँ जाएंगे? आज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। यार मैंने ना मतलब पहले भी इन चीज़ों पर वीडियोस बनाई हैं कि आखिर नैनोमीटर वगैरह क्या होता है, प्रोसेसर जो है वो कैसे काम करते हैं। मतलब मैं दोस्तों जब कर रहा था बिट्स से अपनी मास्टर्स की डिग्री माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मतलब उस टाइम पे चिप फैब्रिकेशन हमने पढ़ा, जब हमने पढ़े दोस्तों इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, तो मतलब मालूम ये चला कि भाई आखिर कितनी मेजर इंपॉर्टेंस है इस नैनोमीटर की। अगर आपसे बात दोस्तों करता हूँ चिप फैब्रिकेशन की दुनिया में, अभी आपने ये अक्सर सुना ही होगा कि ये जो प्रोसेसर है ये 8 नैनोमीटर्स पे बेस्ड है, ये जो प्रोसेसर है ये 5 नैनोमीटर्स पे बेस्ड है, ये जो भी नया ब्रांड निकल गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, ये बेस्ड है 4 नैनोमीटर्स पे। अब हम जो है ये नैनोमीटर को कम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आखिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और हम कहां तक कम करेंगे? आप में से काफी बार लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि यार 1 नैनोमीटर के बाद क्या होगा। तो आज दोस्तों को बात ऐसी है, पहले हम समझ लेते हैं एक बार जल्दी से कि आखिर नैनोमीटर होता क्या है। दोस्तों नैनोमीटर जो है ना, ये एक ऑफकोर्स लेंथ की यूनिट है, और 1 मीटर को दोस्तों आप बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दो। अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप जानते हो ना मीटर क्या होता है, आप सेंटीमीटर भी जानते हो, आप मिलीमीटर भी जानते हो। अब 1 मिलीमीटर का 10,000,000वां हिस्सा वो होता है 1 नैनोमीटर। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर होता है ना, वो आपके मतलब समझ लो इतने से साइज का होता है, आपके नाखून जितना बड़ा होता है प्रोसेसर, या अगर आपके कंप्यूटर की चिप है तो आपको दोस्तों पता है कितनी बड़ी चिप उसके अंदर लगी होगी। अब इसके अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब दोस्तों जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये काम करते हैं स्विचेस का, ऑन या ऑफ ये पोजिशन में होते हैं। सर्किट को दोस्तों ये ऐसे अकॉर्डिंगली कंट्रोल करते हैं कि भैया सिग्नल कहाँ से पास होगा कहाँ से पास नहीं होगा, और इसी के चलते दोस्तों जो पूरा कंप्यूटर है वो फंक्शन करता है। अब यहां पर दोस्तों इसी पूरे चिप में जो ट्रांजिस्टर के बीच का दोस्तों गैप है वो कितना है वो हमें मालूम चलता है कि भैया ये चिप जो है ये बनी है 8 नैनोमीटर्स पे, तो जो गैप है वो 8 नैनोमीटर्स का है। ये चिप बनी है 5 nm पे, तो जो गैप है वो 5 नैनोमीटर्स का है। अब इस गैप को हम दोस्तों जब कम कर रहे हैं, इससे होगा क्या कि आप उस चिप में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को पैक कर पाएंगे, जो गैप है वो और छोटा भी हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स को दोस्तों कंप्लीट जो टाइम लगने वाला है, जो एनर्जी लगेगी उनके बीच में मूव करने में, वो भी कम लगेगी। तो मतलब आपको मिलेगी बेहतर एफिशिएंसी, बेहतर परफॉर्मेंस, और जो हीटिंग इश्यूज हैं वो भी आपको इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब यहां पे ये है पूरा का पूरा सीन इसी चिप इंजीनियरिंग का। अब यहां पे अगर हम बात करें एडवांसमेंट्स की, तो मतलब हम जो है अभी दोस्तों करंटली 4 नैनोमीटर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिप में हमको देखने को मिली है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लेकिन इसके आगे का क्या? तो TSMC जो है वो अगले साल से मैन्युफैक्चर करने वाला है 3 नैनोमीटर्स वाली चिप। इसके अलावा दोस्तों IBM ने जो है वो शोकेस कर दिया था 2 nm के फैब्रिकेशन डिजाइन को, TSMC जो है वो 1 nm को भी शोकेस कर चुका है। लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? मतलब ऑल्दो उसमें ये जो कंप्लीट प्रोसेसेस हैं ये भी हमको फ्यूचर में ही आगे यू नो 3-4-5 साल बाद देखने को मिलेंगे, बिकॉज भाई देखो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। मतलब दोस्तों बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का खर्चा होता है अगर आप बात करें एक नो प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में मूव करने का, बिकॉज हर एक के लिए अलग मशीनरी, कंप्लीटली अलग सेटअप। तो यहाँ पे कॉस्ट तो खैर बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल 1 नैनोमीटर्स के बाद क्या होगा भैया, हम कहाँ जाएंगे? क्या हम बात कर रहे हैं एंगस्ट्रॉम की, या दोस्तों हम बात कर रहे हैं पिकोमीटर्स वगैरह की? तो भाई देखो सीन क्या है ना, हम कहीं जा नहीं पाएंगे, हमें रुकना होगा, बिकॉज सिलिकन का दोस्तों जो एटम साइज होता है ना, ऑलमोस्ट जो डायमीटर है वो रफली 0.2 नैनोमीटर्स का होता है। अब आप सोचो कि अगर आप बात कर रहे हो 1 नैनोमीटर या उससे भी कम, तो मतलब आपको दोस्तों गिन के मतलब यू नो आप लेस देन 10 एटम्स की बात कर रहे हो, मतलब 4-5 एटम्स का गैप होगा। मतलब समझ लो कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग की यहाँ पर डिमांड हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों जब आप बात कर रहे हैं उस नो एटॉमिक स्केल की, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। तो अभी क्या होने वाला है, 1 नैनोमीटर पे पहले हम पहुंचेंगे दोस्तों, इसमें खैर काफी टाइम लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कल ही पहुंच जाएंगे, आज बोल दिया TSMC ने कल से बनना
बनना स्टार्ट हो गया। इट विल टेक क्वाइट सम टाइम, लेकिन उसके बाद में हम दोस्तों जाएंगे आगे क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ, जहां पर दोस्तों गूगल ने अपना एक क्वांटम प्रोसेसर भी बना लिया है और यहां पे जो परफॉर्मेंस है वो एकदम नेक्स्ट लेवल इनक्रेडिबल, मतलब बहुत ज्यादा कमाल। यहां पर दोस्तों बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, और यहां पे इनको लेके दोस्तों होती है ना प्रोसेसिंग, वो एकदम अलग ही तरीके से होती है। फिलहाल हमारे कंप्यूटर्स में होती है बिट्स, वो जीरो या वन, जो दोस्तों बात करते हैं पूरी बाइनरी दुनिया की। लेकिन हम बात करें अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो यहां पे होती है क्यूबिट्स, जो कि जीरो या वन या दोनों स्टेट एक साथ होल्ड कर सकती हैं। और यहां पे इनके साथ दोस्तों प्रोसेसिंग निकल के आती है ना, वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। ऑल्दो ये फिलहाल खैर बहुत अभी इनिशियल स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, मतलब यू नो इसके लिए बहुत स्पेशलाइज हार्डवेयर, काफी दोस्तों अलग टाइप का सेटअप वगैरह चाहिए। ये अभी क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में लगे हों, ये तो खैर पता नहीं आगे कितने सालों बाद होगा, लेकिन अभी हम 1 नैनोमीटर के बाद और आगे जाने का सोचे तो इम्पॉसिबल सी बात होगी। हमें दोस्तों यहां पे भी ढूंढना होगा डिफरेंट मटेरियल्स को। हो सकता है हम करंटली 2 नैनोमीटर पे या फिर 3 नैनोमीटर पे, दोस्तों अगर हम बात करें फिलहाल अभी सिलिकन या नो इसके अलावा अगर हम किसी और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रेफीन वगैरह की, तो हमारा फायदा हो सकता है, या फिर अगर हम इन्हीं चिप्स को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करें तो भी हमारा फायदा हो सकता है। बिकॉज सिर्फ नैनोमीटर आपने कम कर लिया, आपने उसको श्रिंक कर दिया, उससे आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी, ये जरूरी नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन का बहुत एक मेजर रोल होता है, और इसी के साथ साथ कैसे आप यू नो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, कैसे आप अपने चिप्स को और ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हो, ये भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि भैया क्या चल रहा है नैनोमीटर्स का पूरा सीन। 1 nm तक का अनाउंसमेंट तो खैर हो ही चुका है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाना तो फिर हम बात कर रहे हैं वो गिन के 4 atoms, 5 atoms दोस्तों थिक यू नो एक चीज की, जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा ही है। मटेरियल्स चेंज करने पड़ेंगे या फिर फ्यूचर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग का, और क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो आप समझ लो कि एक सुपर कंप्यूटर की पावर आपको मिल जाएगी आपके पर्सनल कंप्यूटर में। इस लेवल की परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, एकदम मतलब गेम चेंज होने वाला है पूरी तरीके से दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।